हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्यों हुई है 1857 की क्रांति? तो राजस्थान में बाद में होती है, उससे पहले भारत में अलग अलग जगहों पर क्रांति जो है वह अपना रूप ले चुकी थी और इसके पीछे कई कारण थे। तो एकदम तो कोई भी क्रांति जो है वो उग्र रूप में नहीं आती है। तो यहाँ पर बात जो है 1600 ईस्वी से ही स्टार्ट हो जाती है, जब अंग्रेज जो हैं भारत में प्रवेश कर जाते हैं और व्यापार करने की अनुमति जो है वह मांगते हैं। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो महारानी हैं एलिजाबेथम प्रथम, वो इजाजत नामा दे देती हैं, व्यापार करने की अनुमति दे देती हैं। तो भारत की तरफ जो है वो अंग्रेजों का आना जो है वो संभव हो जाता है। ठीक है, तो जो पहला अंग्रेज अफसर था कैप्टन हॉकिंस, वो आता है अकबर के लिए फरमान लेकर। लेकिन जब तक वह आता है जहांगीर के दरबार में वो पहुंचता है, और तब तक अकबर की मृत्यु जो है वह हो चुकी थी। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो कैप्टन हॉकिंस था तो वह किसके दरबार में आया था। तो फरमान तो वो अकबर का लेकर आया था, लेकिन 1608 ईस्वी में वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं वो अपनी व्यापारिक कोठियां लगाना स्टार्ट कर देते हैं, मसूली पट्टनम में लगाते हैं, कलकत्ता में लगाते हैं, ठीक है, और मद्रास में लगाते हैं, वो अपने किले भी बनाते हैं रहने के लिए। तो व्यापार करने की जो मनसा थी वह धीरे धीरे यहाँ रहने की बढ़ने लग जाती है। अब क्या होता है, वो यहाँ पर व्यापार इस तरीके से करना चाहते थे कि मुक्त व्यापार जिसे कहा जाता है, तो वो मुक्त व्यापार की अनुमति मांगते हैं कि हम तो बिल्कुल फ्री में व्यापार करेंगे, कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे। तो क्या होता है कि जो मुगल सम्राट फर्रुख शियर होता है वो फरमान जारी कर देता है 1717 ईस्वी के लगभग। तो क्या होता है कि ये अंग्रेज जो है वह मुक्त व्यापार करने लगते हैं। अब जब ये मुक्त व्यापार करेंगे तो जो भारत के व्यापारी हैं उनको मुनाफा नहीं होगा, उन्हें तो बहुत लॉस होता है। तो अब धीरे धीरे ये चीजें वो बढ़ती चली जाती हैं। लोग जो है वो अपने मन में इतनी परेशानी लेकर क्या होता है कि प्लासी का युद्ध जो है वहां तक बात पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज जो है धीरे धीरे क्या एंटर कर जाते हैं भारत में। उसके बाद बक्सर के युद्ध होता है 1764 में, तो तब वह अपने अच्छे तरीके से यहाँ पर पैर जमा लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो है अंग्रेज जो है वो भारत में एंटर कर जाते हैं। आए थे वो व्यापार करने की मनसा से, लेकिन यहाँ पर वो रहने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि 1757 से लेकर और धीरे धीरे 1857 तक लोगों के ऊपर ये लोग इतना अत्याचार करते हैं, कभी व्यापार के नाम पर, कभी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति जो है वह हो जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ से नोट से पढ़ेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण रहे। तो भारत में तो अंग्रेज जो थे वो इतने बुरी तरह से अत्याचार करने लगे थे कि धीरे धीरे जो है उग्र रूप ले लेता है लोगों का, और 1857 की क्रांति जो है वह होती है। 1707 ईस्वी में देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत राज्यों पर मुगल केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। तो मुगलों के आतंक से भी परेशान थे राजपूत राज्य, तो अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, ठीक है, मराठों ने इसका क्या फायदा उठाया और गुजरात और मालवा में अपना प्रभाव स्थापित किया। तो यहाँ मराठे जो थे वो राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब देखिए पूरा देश जो अंग्रेजों से भी जूझ रहा था, और यहाँ राजस्थान में मराठा जो थे वह एंटर कर चुके थे, तो सभी मतलब परेशान थे। तो क्या होता है, ये जो राजपूत शासक हैं क्या करते हैं कि 1734 ईस्वी में होड़ा सम्मेलन जो है वह बुलाते हैं मेवाड़ में, जहां पर संधि जो पत्र होता है उस पर साइन वगैरह किए जाते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे चाहे किसी के सामने कोई संकट आ जाए। लेकिन क्या होता है कि वो जो शासक होते हैं, जो राजपूत शासक होते हैं, उनमें आपस में ही क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, द्वेष हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी कंक्लूज जो है वो नहीं निकल कर सामने आता है। अब जो राजस्थान के जो राजपूत जो थे वो क्या चाहते थे कि यहाँ किसी तरीके से हमें इनसे मुक्ति मिल सके, तो वो क्या करते हैं कि राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करनी शुरू कर दी। तो अब उन्होंने क्या किया कि यह सोचा कि अंग्रेजों के सबसे बड़े जो शत्रु हैं वो हैं मराठा,
ठीक है, क्योंकि जो काम वह करना चाहते हैं वही काम मराठा कर रहे हैं। तो उनकी अगर उनसे मित्रता कर ली जाए अंग्रेजों से, तो हमें मराठों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन राजपूत शासक ये नहीं जानते थे कि मराठों से भी भयंकर जो हैं वह हैं अंग्रेज, और धीरे धीरे वह चाहते ही थे कि राजपूतों की जो राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं उनमें हस्तक्षेप कर सके। तो यहाँ पर अंग्रेजों से मित्रता करनी प्रारंभ कर देते हैं राजपूत राजा। 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर के महाराज पृथ्वी सिंह, इन्होंने अपना प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की, और फिर जोधपुर राज्य ने भी ऐसा किया। तो धीरे धीरे जितने भी राज्य थे राजस्थान में, तो वो सभी धीरे धीरे क्या करने लगे, अंग्रेजों से मित्रता करने लगे, जिससे कि वह मराठों के आतंक से उनको बचाएंगे। तो देखिए कितनी लंबी प्रक्रिया होती है 1857 की क्रांति होने में। एकदम आज जो क्रांति थी नहीं भड़की थी, धीरे धीरे ही यह ज्वाला जो है वो भड़क रही थी। तो 1798 ईस्वी में जो लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक सहायक संधि कर ली। 1798 से 1805 तक ये रहे गवर्नर जनरल। अब इस नीति में क्या हुआ कि जो देसी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति का उत्तरदायित्व इन्होंने संभाला। इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है वह संभालेंगे यहाँ जो भी राज्य होंगे जिनके साथ ये संधि होगी, लेकिन क्या होगा कि वो राज्य जो है वो सारा खर्चा उठाएगी, यहाँ तक कि राज्य में सेना जो है वह भी अंग्रेजों की होगी, और इन सेना जो है इनको जो भी वेतन दिया जाएगा वह भी राज्य की तरफ से ही होगा, और आंतरिक मामलों में ये अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए कि अंग्रेज जो है जो कह रहे थे, क्या उन्होंने सच में किया था? बिल्कुल नहीं किया था। ये आंतरिक मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा काम कर रहे थे। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी के रण क्षेत्र में मराठों को हराया। तो अब जैसे ही राजपूतों ने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो मराठों को हरा रहे हैं, तो अब इनको पूरी तरह से संतुष्टि मिल गई, विश्वास हो गया कि हाँ अब अंग्रेज जो हैं वो हमें मराठों से बचा लेंगे। 1803 की सहायक संधि होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1803 की सहायक संधि जो है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य की सुरक्षा का दायित्व जो है कंपनी पर होगा, ऐसा अंग्रेजों ने कहा, और राज्यों से कंपनी जो है वो खिराज नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी, और उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। तो सबसे पहले जो है संधि कौन करते हैं? यहाँ पर 29 सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह जो है वह संधि करते हैं। 1803 ईस्वी की यह संधि है। 14 नवंबर 1803 में अलवर के शासक बख्तावर सिंह करते हैं। 12 दिसंबर 1803 में जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड करते हैं। 22 दिसंबर 1803 में जोधपुर के शासक भीम सिंह करते हैं। तो धीरे धीरे राजपूत शासक जो है वह संधि करना स्टार्ट कर देते हैं। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल बनने के बाद कंपनी सरकार की नीति में परिवर्तन आया। तो सबसे पहले तो देखिए 1803 की संधि होती है, कुछ शर्तें रखी जाती हैं जो कि हम तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और एक दो चीजें जो है वो है कंपनी की तरफ से कर ली जाती है कि हम लोग तुम्हारा जो है वो सुरक्षा का दायित्व जो है वह उठाएंगे, जो भी राज्य एक दूसरे से विवाद करेंगे तो वह कंपनी जो है वह उसको सुलझाएगी भी। तो ये सारी चीजें जो है हस्ताक्षर वगैरह हो जाते हैं और ये संधि हो जाती है। अब जब गवर्नर जनरल जो है वो बदल जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग आ जाता है 1813 ईस्वी में, तो अब नया गवर्नर जनरल है, तो यह नई नीति लेकर आता है, तो पुरानी जो नीति है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए 1817 से लेकर 1818 की अधीनस्थ पार्थक्य संधि कहलाती है, जो कि गवर्नर जनरल कौन है इस समय? लॉर्ड हेस्टिंग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने दिल्ली रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को संधि करने का कार्य सौंपा। तो इनका नाम जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग थे 1817 से 1818 की अधीनस्थ पार्थक संधि, तो कार्य जो है वह किसे सौंपते हैं संधि का? चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपते हैं। अब इस संधि में क्या शर्तें थी? तो यहाँ पर देखिए शर्तें रखी गई थी कि राज्य किसी भी दूसरे राज्य के साथ राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा, और ना संधि और ना ही कोई युद्ध करेगा। कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसा कि 1803 की संधि में भी कहा गया था। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेज
जो पीए है पॉलिटिकल एजेंट, तो ये रखना तय कर दिया राज्यों में। जो राज्य पहले मराठों को खिराज देते थे वे अब कंपनी को खिराज देंगे। तो इस संधि में दो इम्पोर्टेंट बात जो है वो हुई। एक तो ये हुआ कि जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जो है वो रखेंगे एक प्रत्येक राज्य में, ठीक है, और खिराज जो है वो वसूला जाएगा। तो अब धीरे धीरे ये जो है निकल कर आ रहे थे अंग्रेज, जो राजपूत शासक ने इन लोगों से मित्रता की थी, वो इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। अब यहाँ पर देखिए 15 नवंबर 1817 को जो संधि की जाती है, सबसे पहले करौली के हरबख्शपाल सिंह ने की थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस शासक ने सबसे पहले 1817 से 1818 की संधि हुई थी, तो वह किसने की थी, तो वह करौली के हरबख्शपाल सिंह ने की थी। उसके बाद कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर, इन सभी राज्यों ने संधि कर ली। और अंत में जो अंतिम संधि होती है वह सिरोही के शिव सिंह ने की। तो अंतिम संधि कौन करता है? सिरोही के शिव सिंह करते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी वहां पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कि सबसे पहले जो है संधि किसने की थी? करौली के हरबख्शपाल सिंह ने की थी और अंतिम संधि सिरोही के शिव सिंह ने की थी। तो अब देखिए क्या होता है। देखिए हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। और इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी की तरह ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। कंपनी को नियमित खिराज देने, अंग्रेजों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से राज्यों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। अब धीरे धीरे ये भी इसी तरीके से आ गए। पहले तो राजपूत शासक जो थे वह मुगलों से परेशान थे, मुगलों के आतंक से, उसके बाद वह मराठों के आतंक से परेशान हुए और अब अंग्रेजों के आतंक से परेशान होने लगे। लगातार जो है खिराज देने लगे और अंग्रेज जो है जिन्होंने प्रत्येक राज्य में एक पीए जो है वह छोड़ रखा था, तो उनकी जो है अब हस्तक्षेप जो है वह करने लगे राज्यों में। वहां की आर्थिक राजनीतिक स्थिति जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यहाँ तक कि जयपुर की जो राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का भी इन लोगों ने प्रयास किया, तो वहां की जो जनता थी, लोगों ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। अब राजस्थान में भी धीरे धीरे होने लगा कि 1857 की क्रांति के लिए कैसे ये लोग तैयार हुए। बंगाल और दिल्ली के अब संदेश वाहक आए, उन्होंने मेरठ में जो चर्बी वाले कारतूस का जो संदेश है वह पूरे देश में फैला दिया कि जो राजपूत हैं उनके लिए देखिए क्या किया जा रहा है, कि जो अंग्रेज हैं वह चर्बी वाले कारतूस जो है वह सेना को दे रहे हैं अंग्रेज अफसर, और वह उन्हें अपने धर्म जो है उसको भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज जो है अब पूरे देश में फैल चुकी थी और बंगाल और दिल्ली के संदेश वाहक आते हैं और यहाँ पर भी ये चीज बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि जो हिंदू होते हैं उनको ये चीज में परेशानी ज्यादा होने लगती है। तो भारत में 1857 की क्रांति के जो तात्कालिक कारण थे वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस। थोड़ा याद रखिएगा कि प्रतीक चिन्ह क्या रहा? कमल का फूल व रोटी। तो राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। क्रांति का समय जो है पूरे देश में रखा गया था 31 मई 1857 को, लेकिन यह समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी 10 मई 1857। और यहां पर नाम क्या दिया गया था? दिल्ली चलो। भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड केनिंग। तो लॉर्ड केनिंग ने अपने एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, पूरे देश में नियुक्त कर दिए। और ये जो एजीजी हैं ये राजस्थान में प्रत्येक जो राज्य था जिसको हम कह रहे हैं जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, कोटा राज्य, ठीक है, तो वहां पर अपने क्या करेंगे? पॉलिटिकल एजेंट जो है वो नियुक्त करते रहेंगे ताकि उनके बारे में हर सूचना, हर बात जो है, जो चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वो इनको पता लगती रहे अंग्रेजों को। अधीनस्थ संधि जो 1817-18 में हुई थी उसके तहत राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना 1832 ईस्वी में की जाती है। याद रखना है राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब की गई? 1832 ईस्वी में। और इसका जो प्रधान कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, अजमेर बनाया गया। तो अंग्रेज जो है अब यहाँ पर इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। और गर्मी में क्या करते थे? इनको गर्मी लगती थी
गर्मी लगती थी तो ये आबू में चले जाते थे, और जब सर्दी लगती थी तो यह अजमेर में रहते थे। और यहाँ का जो मुख्य अधिकारी था वह था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान में जो पहला एजीजी रहा वह था लॉकेट। अब हमें जानना है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में एजीजी कौन रहा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, याद रखना है पहला जो एजीजी है वह लॉकेट है, जबकि 1857 की क्रांति में जो एजीजी रहा वह जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रहा। एजीजी ने, इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने रियासतों में अपने पीए पॉलिटिकल एजेंट जो है वह नियुक्त कर दिए। ठीक है, तो अब आपको यहां तक जो है सारी बातें समझ में आई होंगी कि 1857 की क्रांति जो है भारत में कैसे फैली और धीरे धीरे राजस्थान तक कैसे पहुंची। पहले तो जो राजपूत थे उन्होंने मुगलों का आतंक सहन किया, उसके बाद मराठों का आतंक सहन किया, हेल्प के लिए उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया और अंग्रेजों ने ही वही कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो सीमा थी वह समाप्त हो चुकी थी आम जन की, तो अब क्रांति तो होनी तय थी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब तक हमने जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। संधियों के बारे में पूछा जा सकता है कि संधि जो है कब हुई थी, सबसे पहले किसने की थी, अंत में किसने की थी, उस समय गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, सारी स्टोरी जो है वह आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी देंगे तो वहां पर भी आपको ये चीजें समझनी होगी, आरएएस का देंगे तो वहां पर आपको डिटेल में चीजें जाननी होंगी। ठीक है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद जो है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए राजस्थान में क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त किए थे एजीजी ने, कोटा में मेजर बर्टन, जोधपुर में मेक मैसन, भरतपुर में मॉरिशन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में सावर्स और सिरोही में जेडी हॉल थे। ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है एग्जाम में। बार बार बोलना है इसको, कोटा में मेजर बर्टन है, जोधपुर में मेक मैसन है, भरतपुर में मॉरिसन है, जयपुर में ईडन है, उदयपुर में सावर्स है, सिरोही में जेडी हॉल है। इनको जैसे भी याद करें आप इनको याद करें। उसके बाद उस समय राजस्थान में क्रांति हुई तो रियासती शासक कौन थे? तो देखिए कोटा में राम सिंह, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जोधपुर में तख्त सिंह, ये भी याद रखना है। उदयपुर में स्वरूप सिंह याद रखना है, जयपुर में राम सिंह, इसके बाद करौली में मदन पाल। तो ये चारों नाम तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने होंगे। उसके बाद देखिए डूंगरपुर में उदय सिंह। राजस्थान में क्रांति के समय छह छावनियां थी, कितनी थी? छह छावनियां थी। कौन सी थी? नाम याद रखना है, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में है। नीमच जो है वह कहाँ? मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय यह मेवाड़ रियासत में था। तो नीमच जो है उस समय मेवाड़ रियासत में था और वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देवली टोंक में है, एरनपुरा जो है पाली में है, खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा उदयपुर में है और ब्यावर अजमेर में है। ये दोनों जो छावनियां थी इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। एक कोटा की क्रांति भी आएगी जिसमें कोटा में कोई छावनी नहीं थी और वहां पर जो आम जनता थी उन्होंने ही विद्रोह किया था, ये भी याद रखना है। यहाँ छह छावनियों में कोटा जो है वह छावनी में नहीं है, केवल यही है छह, इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नसीराबाद में क्रांति जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाती है 28 मई 1857 से। तो तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि क्रांति जो है वह कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या कारण रहे थे इसके पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।